सभी भाइयों को, दोस्तों को हैप्पी दिवाली। मैं हूँ प्रकाश और आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया डिजाइन बनाने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। चले आज का जो सिंपल होगा मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का डिजाइन को किस प्रकार से बनाएंगे, इसका सारा डिटेल जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करें तो आपको पूरा समझ में आ जाना है। तो चले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो मेनू बार में से व्यू क्लिक करेंगे और पेज से पेज बॉर्डर को इनेबल करूंगा इस तरह से। दोस्तों मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना रखा है अपना टाइम को सेविंग करने के लिए, तो मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करूंगा। ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। मैं इधर कर लेता हूँ और जूम करके मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। इस तरह से दिखाई देना है, ये रहा सर्कल और ये रहा पॉइंट। और इस तरह का डिजाइन को सीखने के लिए आप मेरा पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिए, मैंने अच्छी तरह से बताया है। तो इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट का यूज करके आज का जो डिजाइन होगा मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए। और दूसरी बात यह है कि मैं ये दो ऑब्जेक्ट को मैं ब्लेंड टूल का यूज करके मैंने इसको बनाया है, तो आपको दिखा दूं। यहाँ पर आपको दिखाएगा, ये सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाएगा ब्लेंड ऑप्शन। इसको भी इस तरीके से इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें ब्लेंड यूज नहीं किया। तो चलिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, पूरा सेलेक्ट करके इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब टूल बॉक्स में जाएंगे, इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ में सर्कल बनाएंगे, पी प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ में इधर ड्रैग करेंगे और नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट के साथ में लगभग इतना राइट क्लिक किया, कॉपी हो जाएगा। यहाँ से फिर एंड टूल सेलेक्ट किया इस तरह से और वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ, पी प्रेस करूंगा। यहाँ पर मिल रहा है कोऑर्डिनेट, एक बार क्लिक किया यहाँ पर सेंटर। यहाँ से शेप टूल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर्व करेंगे, मैं बड़ा कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है इस तरह से। चलिए वापस शेप टूल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये पॉइंट मिलना है, इसको ड्रैग करके इस लाइन में मिलाना है दोस्त इस तरह से। अब देख लीजिए मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, इसको भी इसी तरह से इस लाइन में मिलाते हुए इधर कर देता हूँ यहाँ तक। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा तो अच्छा रहना है इस तरह से। चलिए ठीक है, मैं छोटा कर लेता हूँ, पूरा सेलेक्ट कंट्रोल जी कर लेता हूँ ग्रुप करने के लिए। स्मार्ट फिल टूल लिया और यहाँ से डिफॉल्ट कलर अप्लाई किया, बाकी को सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा। इसको भी सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में और यहाँ से वेल्ड करूंगा पूरा सेलेक्ट, यहाँ से कंट्रोल के साथ में घुमाएंगे राइट क्लिक, ओके हो जाएगा। इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से वेल्ड करूंगा, नीचे भी इसी प्रकार से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके वेल्ड कर दिया, वापस सेलेक्ट, यहाँ से फिल कलर रिमूव कर दिया। मैं दिखा देता हूँ, ये दो पार्ट है दोस्तों। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको मिलना है कंटूर टूल, यहाँ पर मैंने एक बार क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा। इधर भी इसी प्रकार से मैंने क्लिक करना है, दो तीन हो गया, मैं एक को हटा देता हूँ। ठीक है, अब अपन क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्रेक कर देता हूँ। सेलेक्ट रहते हुए यहाँ से आउटलाइन को मैं बढ़ाऊँगा 3, ठीक है, और सेलेक्ट रहते हुए नीचे की ओर ड्रैग करेंगे लगभग इतना, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल पर डिफॉल्ट कलर अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से और इन दोनों लाइन को डिलीट करूँगा। चलिए इस तरह से वापस सेलेक्ट करेंगे और इसका भी फिल कलर को रिमूव करेंगे और यहाँ से कंट्रोल टूल और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा बन गया। इसको भी मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ और एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ इस प्रकार से। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करके इधर लाऊंगा, ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। ये तो सबसे पहली बात तो ये अभी ब्लेंड ऑप्शन में है, यानी कि ब्लेंड में है, तो इसको ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक ब्रेक कर देता हूँ। चलिए इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इसके अंदर में डालेंगे। सबसे पहले तो मैं ग्रुप कर लेता हूँ इसको। चलिए ठीक है, इसके लिए मैं इनवेलप टूल का यूज करूंगा। दोस्तों इनवेलप टूल के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको काफी आइडिया मिल सकता है। तो यहाँ से मैं इनवेलप टूल को ओपन करूंगा, यहाँ पर आपको मिलना है क्रिएट इनवेलप और यहाँ पर मिडिल वाले में इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा रहना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया, आपका ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बन जाएगा। हटा देता हूँ मैं इसको और इसको सिलेक्ट रहते हुए मिडिल वाला को मैं सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ में, सी कर देता हूँ इस तरह से। मैं जूम करके मैं सारे लाइन को हटा देता हूँ, इसको भी हटाऊँगा इस तरह से, इसको भी हटाऊँगा इस तरह से, ठीक ठाक है इस तरह से दिखना है दोस्तों। अब अपन क्या करना है, इधर काम करना है, तो सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी मैं यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ, दिखा दो इस तरह से ब्रेक हो गया। इसका एक डुप्लीकेट इधर लेके आता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, एक तो इधर आया ही, उसको बाद में हटाता हूँ। चलिए सबसे पहले तो इसको इधर करूँगा और अब मैंने यहाँ पर इसको यूज करना है, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा, इसका काम खत्म है। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे करूँगा, इसका अभी यूज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से शेप टूल और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस कॉर्नर में और यहाँ से ब्रेक करेंगे,
कंट्रोल के कर देता हूँ, इस तरह से ब्रेक हो चुका है, दिखा दूँ इस तरह से ब्रेक हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, चलिए यहीं सही रहेगा, इसको यहाँ पर इस लाइन में डालना है दोस्तों। तो एक डुप्लीकेट बनाऊँगा इधर, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है इस तरह से, ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाना है पाथ प्रॉपर्टीज, क्लिक करेंगे न्यू पाथ, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा। और इसको भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर जाऊँगा न्यू पाथ, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको जूम करूँगा और थोड़ा सा इस तरह से, चलिए अभी ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इधर ड्रैग करके इधर लेके आता हूँ यहाँ तक, इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर लेके आता हूँ यहाँ तक, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके यहाँ तक लेके आता हूँ, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और इधर लेके आता हूँ, यहाँ पर मैं जूम करूँगा, चलिए ठीक है। इसको सेलेक्ट करूँगा, एंकर पॉइंट को यहाँ पर डालूँगा तो ये लाइन में आ जाएगा। इसको भी सेलेक्ट करेंगे, एंकर पॉइंट को मैं इस लाइन में डालूँगा, ठीक ठाक है, छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। और हैंड टूल से इधर करूँगा और इधर जूम करूँगा, इधर सेट करना है दोस्तों इस तरह से, चलिए ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करेंगे, ये तो खैर लाइन में ही है पर भी डाल देता हूँ। इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा, देख लेता हूँ इस तरीके से, डबल क्लिक कर लेता हूँ, एंकर पॉइंट को यहाँ पर डालूँगा, ये भी लाइन में आ जाएगा। चलिए छोटा कर लेता हूँ, अब मैंने ब्लेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है दोस्तों, इस तरह से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, चलिए इसको सेलेक्ट करता हूँ पहले, हाँ यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पर 40 डाल लेता हूँ और इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ से मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से और 40 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ इसी तरह से, चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं चाहे तो हम घटा सकते हैं। अब दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार इस तरह से, और छोटा करता हूँ इस तरह से, और उठा करके दोनों को यहाँ पर डाल देता हूँ दोस्तों इस तरह से। यहाँ पर ऑलरेडी एक लाइन है, यहाँ पर डालूँगा लगभग, ठीक है। मेरे अंदाज से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है इस तरह से। अब मैं इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे करूँगा थोड़ा सा इस तरह से लगभग, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करूँगा और मैनुअली कीबोर्ड से नीचे करेंगे इस तरह से। यहाँ पर लाइन दिख रहा है तो इसको मैं और थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा लगभग, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे इस वाले ऑब्जेक्ट को, और इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगा इस तरह से, और इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा मैं इधर करूँगा, और इधर भी इसी प्रकार से मैं काम कर लेता हूँ जल्दी से यहाँ पर। और इसको भी सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से और इसको यहाँ तक लेके आता हूँ लगभग, ठीक है मेरे ख्याल से। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक हो गया। अब इस लाइन को मैं हटा देता हूँ इस तरह से, और एक लाइन है वहाँ पर, उसको भी पहले वाला, इसको मैं हटा देता हूँ इस तरह से, हटा दिया। इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करूँगा और इस लाइन को भी हटा देता हूँ इस तरह से, काम खत्म, पूरा सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, और कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप हो जाएगा, देख लेता हूँ, हाँ सही है लगभग मेरे ख्याल से। इसको छोटा कर लेता हूँ। अब अपन क्या करना है, टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से इलिप्स टूल, कंट्रोल के साथ में एक सर्कल बनाऊँगा और शिफ्ट के साथ में इसको इस तरीके से बनाता हूँ, पी प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा इधर लगभग यहाँ तक, यहाँ सही था, और डुप्लीकेट इधर बनाऊँगा, राइट क्लिक कॉपी हो जाएगा। वापस टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल बना लिया मैंने, इसको थोड़ा बड़ा करूँगा इतना, और पी प्रेस करना है और थोड़ा सा बड़ा करूँगा लगभग, ठीक है। वापस टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल, डिफॉल्ट कलर अप्लाई किया, मैनुअली सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिल कलर रिमूव, ठीक है। इसको आप यहाँ पर डालना है दोस्तों, इस तरीके से सेलेक्ट किया इस प्रकार से, और यहाँ से इनवेलप टूल, यहाँ पर क्रिएट इनवेलप फ्रॉम, और यहाँ पर क्लिक करना है, और इसको मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट किया, सी करूँगा और इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरह से, इसको हटा देता हूँ। वापस टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से सर्कल बना लेता हूँ, यानी क्लिप्स टूल से सर्कल बनाया, और यहाँ से फ्रेन टूल, यहाँ पर मिलना है क्वाड्रेंट, क्लिक किया इस तरह से, वर्टिकल लाइन, शेप टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर्व करेंगे और इसको इस तरीके से घुमाता हूँ इधर लगभग, ठीक है। इसका डुप्लीकेट इधर पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार,
कंट्रोल जी करूंगा एक बार, और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल मैंने डिलीट कर देना है, इसको वापस सेलेक्ट करेंगे, फिल कलर रिमूव, और इसको मैं छोटा करूंगा इस तरह से लगभग, ठीक है। इसका आउटलाइन को मैं यहाँ से 3 ही करूंगा, इस प्रकार से मैं यहाँ पकड़ करके यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, छोटा कर लेता हूँ। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा इतना, इसको अच्छा से सेट कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक ठाक है। आप पूरा को सेलेक्ट करेंगे एक बार, और F12 करता हूँ और स्केल विथ ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, और इसका आउटलाइन को मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है दोस्तों। कंट्रोल ए करके जी कर लेता हूँ इस तरह से, और इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा इधर ड्रैग करके, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, और एक इधर बनाऊंगा इस तरह से लगभग, ठीक है। अब मेनू बार में से व्यू क्लिक करेंगे और पेज से पेज बॉर्डर को डिसेबल कर देता हूँ। मैं F4 कर लेता हूँ एक बार इस तरह से, और F9 करूँगा बड़ा देखने के लिए, इस तरह से दिखाई देना है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।